हाय स्टूडेंट स्टीव, जो पिछले वाली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था हेलो एल्केन का नामकरण। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हेलो एरिन का नामकरण। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? हेलो एरिन का नामकरण। जैसे आप जानते हैं हेलो का मतलब क्या होता है, इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एक्स का मतलब होता है हेलाइट, जिसमें अपन क्या आता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ओके, फिर आप देखिए एरिन, इसके पीछे क्या शब्द लिखा हुआ है, एरिन। एरिन का मतलब क्या होता है, बेंजीन या जो बेंजीन के व्युत्पन्न होते हैं उन सबको अपन क्या कह सकते हैं, एरिन कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बेंजीन लेटा, ये मेरा एरिन कहलाता है। फिर मैंने बेंजीन रिंग है, इससे मैंने क्या जोड़ा है, CH3 जोड़ा है, तो इसको मैंने, इसका नाम क्या होता है, टॉलुइन। क्या नाम होता है, टॉलुइन। टॉलुइन भी एक प्रकार का क्या हमारा एरिन है। क्यों? क्योंकि इसमें बेंजीन का मैंने हाइड्रोजन को बाहर निकाला है, उसके स्थान में मैंने क्या जोड़ा है, CH3 जोड़ा है, यानी ये क्या है, बेंजीन का एक व्युत्पन्न है, इसलिए हमारा क्या है, ये भी एरिन है। फिर ये बेंजीन रिंग है, इससे मैंने क्या जोड़ा है, OH। इसमें भी मैंने हाइड्रोजन को हटाया है और इसके स्थान में क्या जोड़ा है, OH, यानी क्या बना, फिनॉल। फिनॉल भी क्या होता है, बेंजीन का व्युत्पन्न होता है, यानी ये भी क्या है, हमारा एरिन है। इसी प्रकार से बेंजीन रिंग से जब अपन NH2 जोड़ते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनिलीन। एनिलीन भी क्या है, हमारा एरिन है। फिर मैंने जोड़ा है SO3S, SO3S यानी सल्फोनिक अम्ल, यानी जब भी मैंने बेंजीन रिंग से SO3S जोड़ूंगा तो इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है, ये भी हमारा क्या होता है, एरिन होता है। ओके, फिर ये मेरा बेंजीन रिंग थी, उसके वहाँ से हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया है, और हाइड्रोजन हटाने के बाद में मैंने क्या जोड़ा है, OCH3, यानी OCH3 को क्या पढ़ते हैं, मैथॉक्सी। क्या पढ़ते हैं, मैथॉक्सी। तो इसका नाम क्या बन गया, मैथॉक्सी बेंजीन, और ये भी हमारा क्या है, एरिन है। इसी प्रकार से NO2 जोड़ा, यानी नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हमारा क्या है, एरिन है। फिर मैंने दो CH3 जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, दो CH3 जोड़ दिए। अब दो CH3 जब मैंने जोड़ा है तब इसका नाम क्या होता है, जाइलिन। क्या नाम होता है, जाइलिन। फिर मैंने इसके आगे मैंने क्या लिखा है, ओ। ओ का मतलब ऑर्था, ऑर्थो होता है। क्या होता है, ऑर्थो। देखो जब भी कोई बेंजीन रिंग होती है, जब भी कोई बेंजीन रिंग होती है और उसकी स्थिति 1 और 2 पे होती है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, ऑर्थो से लिखते हैं। और जब 1 और 3 की पोजीशन होती है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, मेटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, मेटा लिखते हैं। और 1 और 4 की पोजीशन होती है तो उसको अपन क्या लिखते हैं, पैरा लिखते हैं। इसलिए मैंने इसके आगे क्या लिखा, ओ, क्योंकि ये 1 और 2 की पोजीशन पे है, ऑर्थो है, यानी ऑर्थोजाइलिन है। ऑर्थोजाइलिन भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का एरिन होता है, यानी बेंजीन का व्युत्पन्न है। इसी प्रकार से बेंजीन रिंग से मैंने क्या जोड़ दिया, COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल मैंने जोड़ दिया है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल। फिर ये हमारा बेंजीन रिंग है, और एक मैंने जोड़ा है COOH और एक मैंने जोड़ा है CH3, यानी टॉलुइन है। और टॉलुइन से मैंने COOH जोड़ दिया तो क्या बन गया, टॉलुइट अम्ल। क्या बन गया, टॉलुइट अम्ल। टॉलुइट अम्ल भी हमारा क्या होता है, एक प्रकार का एरिन होता है। ओके, अब आप देखिए अपन पढ़ रहे हैं हेलो एरिन का नामकरण, तो इसमें मैंने जब भी इसका साधारण नाम लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, एरिल हेलाइड, और अंत में क्या लिख देते हैं, हेलाइड का नाम। जनरली लिखते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि हम इसी पैटर्न का ही फॉलो करें, वो कोई आवश्यक नहीं है। ठीक, ओके। और यहाँ पे मैंने लिखा एरिल हेलाइड। एरिल का मतलब क्या होता है, मैंने आपको जो पीछे वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, एरिल का मतलब होता है जब किसी एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली हमारा कोई हेलोजन जुड़ जाता है उस रिंग से, तो उसको अपन क्या कहते हैं, एरिल हैलाइड कहते हैं। और एरिल का मतलब क्या होता है, बेंजीन है, और बेंजीन में से अपन एक हाइड्रोजन को हटा दे, या कोई भी एरिन होता है उसमें से एक हाइड्रोजन को अपन निकाल दे, और फिर जो हमारी वैलेंसी शेष रहती है उसको अपन क्या कह सकते हैं, एरिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एरिल। और जब हैलाइड जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एरिल हैलाइड बन जाएगा। ओके, फिर आप देखिए, फिर IUPAC के लिए अपन क्या लिखते हैं, प्रतिस्थापी का नाम, जो भी प्रतिस्थापी होता है उसका नाम है। ठीक है, और साथ में क्या लिखते हैं, क्रमांक सहित, क्रमांक सहित, यानी वो कौन सी पोजीशन पे हमारा जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन भी अपन को लिखनी जरूरी है। फिर एरिन कौन सा है, टॉलुइन है, एनिलीन है, मैथॉक्सी बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, जो भी है अपन उसके साथ में लिख देंगे। ओके, तो देखिए अब सपोज मैंने यहाँ पे मैंने ले लिया CH3,
सॉरी बेंजीन, और इससे मैंने क्या जोड़ दिया है सीएल। तो इसका मैं जब आईबीसी नाम लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, अब ये तो मेरा क्या है एरिल है और ये मेरा क्या है हैलाइड है। आप इसका जनरल नाम लिखना सब तो क्या लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, और आईबीसी नाम भी इसका नाम क्या बनेगा क्लोरोबेंजीन ही बनेगा। देखिए अब जैसे मैंने लिखा क्लोरो सीएल के लिए अपन आईबीसी में क्या लिखते हैं क्लोरो लिखते हैं, और इसके लिए अपन क्या लिखेंगे बेंजीन, क्या लिखेंगे बेंजीन। और अपन जनरल नाम लिखना चाहें तो अपन इसका नाम क्या लिख सकते हैं फेनिल क्लोराइड भी लिख सकते हैं। ओके फिर अब देखिए नेक्स्ट मैंने लिखा ये बेंजीन रिंग ले ली है मैंने, और इससे एक सीएल इधर और एक सीएल मैंने इधर जोड़ा। तो अब इसका मैं कॉमन नेम लिखूंगा, तो अब देखिए एक और दो की स्थिति पर है, कौन सी पोजीशन पर है एक और दो, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। ये जनरल नाम होता है, क्या होता है ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। लेकिन जब मैं आईपीसी नाम लिखूंगा तो आईपीसी के लिए आपको क्रमांक लिखना आवश्यक होता है। ठीक है तो वन और टू, तो मैं क्या लिखूंगा वन टू डाइक्लोरो, वन टू डाइक्लोरो बेंजीन। ओके फिर आप नेक्स्ट देखिए मैंने लिखा जैसे बेंजीन है, और यहां पर मैंने जोड़ दिया मान लो सीएल, और यहां पे जोड़ दिया मैंने बीआर, क्या जोड़ दिया बीआर। तो एक तो मेरा सी एल है और एक मेरा क्या है बी आर है। अब सी एल और बी आर में अपन क्या देखते हैं जो अल्फाबेट में जो हमारा पहले आएगा उसको अपन क्या देंगे क्रम से क्रम अंक देना चाहेंगे। तो क्लोरोफिल लिए क्या आता है सी एच आता है, और ब्रोमो के लिए क्या आता है बी आता है। तो अल्फाबेट में हमारा पहले कौन सा आता है बी आता है, तो नंबरिंग अपन किस ओर से करेंगे इस ओर से करेंगे, तो यानी वन और टू। तो अपन इसका नाम लिखेंगे आईबीसी, तो नाम क्या होगा वन ब्रोमो, वन ब्रोमो टू क्लोरो, टू क्लोरो बेंजीन। ओके इसी प्रकार से मैंने लिख दिया जैसे एक और ले लेता हूं इधर भी बी आर, इधर भी बी आर, और इधर भी बी आर। अब देखा जाए तो इसमें कितने हैं तीन बी आर समूह, मैंने तीनों हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन हटा दिया है और उनके स्थान पे मैंने तीन बी आर जोड़ दिए, यानी हमारा क्या है एक प्रकार का एरिन है, यानी क्या है हेलो एरिन है, क्या है हेलो एरिन है। अब इसका आप साधारण नाम लिखेंगे तो इसमें देखेंगे जो बी आर की जो स्थिति है, जब इसको अपन 3D में देखते हैं तो इसकी जो पोजीशन होती है एक जैसी बंधों की स्थिति दिखाई देती है, यानी इसमें सममिता होती है बंधों के अंदर, और सममिता बंधों के अंदर होने के कारण इसको अपन क्या लिख सकते हैं सममित ट्राई ब्रोमो बेंजीन भी लिख सकते हैं कॉमन नेम के अंदर। ठीक है लेकिन जब अपन आईपीसी नाम लिखेंगे तो इसकी नंबरिंग देनी पड़ेगी अपन को, नंबरिंग मैं यहाँ दे देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जब भी आईपीसी नाम लिखेंगे तो नाम क्या बन जाएगा 1, 3, 5। अब तीन बार बी आर है तो आपको पता ही है एक के लिए मोनो लिखते हैं, दो के लिए डाई लिखते हैं, तीन के लिए क्या लिखते हैं ट्राई लिखते हैं, और चार होता है अपन क्या लिखते हैं टेट्रा। तो इसमें तीन बार है तो अपन क्या लिखेंगे ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ये इसका क्या बनेगा आईयूपीएसी नाम बनेगा। ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया ये बेंजीन ले लिया, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया मान लो सीएल, और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया मान लो NO2, क्या जोड़ दिया NO2। अब इसका साधारण नाम बनेगा तो अपन क्या लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो, क्यों कि ऑर्थो की पोजीशन यानी वन और टू की पोजीशन पे हमारा क्या है सीएल है, क्या है सीएल है। तो इसका अपन साधारण नाम क्या लिख सकते हैं ऑर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। लेकिन जब आईपीसी नाम लिखेंगे तो आपको ध्यान है कि नाइट्रोजन, नाइट्रो के लिए N से स्टार्ट होता है और क्लोरो के लिए CH से स्टार्ट होता है, यानी C से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट में पहले हमारा कौन सा आता है C आता है, तो नंबरिंग अपन किस ओर से देंगे CL की तरफ से, यानी 1 और 2। तो इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम बनेगा 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। तो अपन एक बार लिख देते हैं 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ओके नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं अपन, सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया OH और यहाँ पे जोड़ दिया मैंने CL,
तो इसका आईपीसी नाम क्या बनेगा, इसका आईपीसी नाम हमारा क्या, और साधारण नाम लिखेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। लेकिन जब आईपीसी नाम लिखेंगे तो इसकी नंबरिंग हमारे ट्रांस होगी, ओएस हमारा क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है, और क्रियात्मक समूह को अपन मिनिमम नंबर देते हैं, तो हो जाएगा 1 और 2, इसका नाम बनेगा 2-क्लोरोफिनॉल, ये बनेगा इसका आईयूपीसी नाम। ओके, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल अपन और लेते हैं ताकि आपके मन में जितने भी प्रश्न आए उनका समाधान हो। तो देखिए आगे अपन एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर एग्जांपल मैंने ले लिया, सपोज यहाँ पे मान लो जोड़ दिया मैंने OH, और यहाँ पे जोड़ दिया मान लो मैंने BR, और यहाँ पे मान लो जोड़ दिया मैंने CL। ओके, अब इसका आप नाम लिखेंगे, IPC नाम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हमारा ये मुख्य क्रियात्मक समूह इसको मिनिमम देंगे, तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 2 पे हमारा क्या है, क्लोरो है, और 3 पे क्या है, ब्रोमो। लेकिन पहले कौन सा लिखेंगे, ब्रोमो वाला लिखेंगे, क्यों, क्योंकि जो अल्फाबेट में पहले आता है उनको पहले लिखा जाता है। तो अपन क्या लिखेंगे, 3-ब्रोमो 3-ब्रोमो 2-क्लोरो फिनॉल। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, अब मान लो मैंने ले लिया OCS3, और यहाँ पे मान लो जोड़ दिया मैंने CL, तब इसका आईपीसी नाम लिखेंगे, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1, और ये बन जाएगा हमारा 2, तो क्या बनेगा, 2-क्लोरो 2-क्लोरो मेथॉक्सी बेंजीन। ओके, नेक्स्ट देखिए, सपोज मान लो ले लिया मैंने ले लिया NH2 एनिलीन, क्या ले लिया, एनिलीन। अब मान लो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है BR, क्या जोड़ दिया है, BR, तो नंबरिंग तो हमारी यहाँ यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि NH2 होता है वो हमारा कौन सा समूह होता है, एमीन क्रियात्मक समूह होता है, और क्रियात्मक समूह को अपन क्या देते हैं, मिनिमम देते हैं, यानी हो जाएगा 1, 2, 3, तो क्या बनेगा, 3-ब्रोमो 3-ब्रोमो एनिलीन। ओके, इसी प्रकार से नेक्स्ट अपन और ले लेते हैं, सपोज मान लो मैंने ले लिया SO3S, और यहाँ पे ले लिया मान लो मैंने I, क्या ले लिया, I, तो इसका IPC साधारण नाम तो क्या बनेगा, ऑर्थो आयोडो बेंजीन सल्फोनिक अम्ला। लेकिन जब अपन IPC नाम लिखेंगे तो इसमें नंबर देंगे तो 1 और 2, तो क्या बनेगा, 2-आयोडो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ओके, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, तो देखिए आगे और कुछ एग्जांपल अपन और लेते हैं, कुछ एग्जांपल अपन और ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल सपोज मान लो ले लिया मैंने COOH, ये बेंजोइक अम्ल है, और मान लो मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है BR, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, ये कौन सी स्थिति पर है, 1, 2, 3, और 1/3 जो 3 स्थिति होती है वो कौन सी होती है, हमारी मेटा की स्थिति। तो इसका अपन जब भी कॉमन नाम लिखेंगे तो इसका क्या नाम लिखेंगे, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ओके, लेकिन जब अब इसका IPC नाम लिखेंगे तो अपन नंबर देने पड़ेगी 1, 2 और 3, यानी क्या बनेगा, 3-ब्रोमो 3-ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। ओके, इस प्रकार से अपन इनका नाम है लिखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूं,
सपोज मैंने ले लिया सी ओ एच और यहाँ पे ले लिया मैंने सी एच थ्री और यहाँ पे जोड़ दिया मान लो मैंने सी एल, क्या जोड़ दिया सी एल, तो इसका कॉमन नेम तो देखो क्या बनेगा ऑर्थो, क्या नाम बनेगा ऑर्थो टॉलिक अम्ल बनता है। लेकिन जब हम इसे आई पी सी नाम लिखेंगे तो अपन नंबर देने पर यानी ये बनेगा मेरा वन फिर टू थ्री फोर फाइव और सिक्स। ओके तो क्या बनेगा फाइव क्लोरो, फाइव क्लोरो टू मैथिल बेंजोइक अम्ल भी लिख सकते हैं या फिर अपन क्या लिख सकते हैं फाइव क्लोरो नहीं नेक्स्ट अगर अपन इसका नाम टॉलिक के हिसाब से लिखना चाहे तो अपन इसका क्या नाम लिखेंगे तो ये हमारा नंबर वन पोजीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी वन टू और थ्री, तो हमारा क्या बन जाएगा थ्री क्लोरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा थ्री क्लोरो टॉलोइक अम्ल बनेगा, ये नाम भी अपन लिख सकते हैं। ओके नेक्स्ट अपन कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ये तो सारे आपके समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल बताऊंगा वो दिखने में तो आप लोग कैसे दिखेंगे एरिन की तरह, हेलो एरिन की तरह, लेकिन रियलिटी में वो हेलो एरिन होते नहीं है। ठीक है उसके लिए मैं कुछ बता देता हूँ पहले से कि ये जो स्थिति होती है हमारी, ये जो समूह है वो तुम्हारा क्या कहलाता है फेनिल, क्या कहलाता है फेनिल। फिर ये सी एच टू यहाँ मैं जोड़ दूँ तो इसको अपन क्या कहते थे मैंने बताया था आगे, क्या बताइए आप, इसको कहते हैं अपना बेंजिलिक, क्या कहते हैं बेंजिलिक समूह या बेंजिल समूह या बेंजिल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है नेक्स्ट सपोज मैंने क्या किया सी एच और यहाँ से एक हाइड्रोजन और हटा दिया और दो पोजीशन मैंने खाली कर दी है तो इसको अपन क्या कहते हैं बेंजल, क्या कहते हैं बेंजल। नेक्स्ट अब मैंने क्या तीनों हाइड्रोजन हटा दिए तो इसको अपन क्या पढ़ते हैं बेंजो, क्या पढ़ते हैं बेंजो। तो देखिए अपन इनके एग्जांपल कुछ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सपोज नंबर एक मैंने ले लिया सी एस टू सी एल, फिर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी एच और इधर भी सी एल इधर भी सी एल। नेक्स्ट मैं और एक लिख देता हूँ तीनों तरफ सी एल लिख देता हूँ तो इसका साधा नाम तो क्या बनेगा ये हमारा कौन सा है बेंजिल है तो क्या बनेगा बेंजिल क्लोराइड, क्या नाम बनेगा बेंजिल क्लोराइड। इसमें क्या होता है कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं वो क्या देखते हैं ये रिंग देखते हैं वो क्या समझ लेते हैं एरिन समझ लेते हैं ये एरिन नहीं है। एरिन कब होता है जब हमारा हैलाइड होता है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है तब हमारा वो क्या होता है एरिन होता है, अदरवाइज अपन इनका नामकरण करेंगे तो हेलो एल्केन की तरह ही इनका नाम लिखेंगे। वैसे इनको अपन क्या कह सकते हैं ये है एरिल और ये एल्किल और ये हैलाइड तो इसको अपन क्या कह सकते हैं एरिल एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। ओके नेक्स्ट अब इसका आईपीसी ना साधारण नाम तो आपको बताइए ये तो बन जाएगा हमारा क्या बनेगा बेंजिल पीछे लिख देंगे क्लोराइड, मैं भी आपको आईपीसी नाम ही बता रहा हूँ तो ये एक ही कार्बन की चैन बन रही है इसमें तो अपन क्या लिखेंगे वन क्लोरो, क्या लिखेंगे वन क्लोरो वन फेनिल, एक कार्बन है क्या आया मेथ, मेथ में एन जोड़े क्या बनेगा मेथेन, समझ में आया ना। नेक्स्ट देखिए आप इसमें मेरे कितने सी एल है दो सी एल है यानी कौन सी ये है कौन सा समूह है बेंजल है, कौन सा है बेंजल तो इसका नाम क्या बनेगा बेंजल क्लोराइड भी लिख सकते हैं या बेंजल डाइक्लोराइड भी लिख सकते हैं। लेकिन जब अपन इसका आईपीसी नाम लिखेंगे तो क्या ये वन है तो क्या लिखेंगे वन वन डाइक्लोरो वन फेनिल
एक ही कार्बन है तो क्या हो जाएगा मेथ, मैं एन जोड़ा क्या बन गया मैथेन। इसी प्रकार से ये देख लो ये कौन सा समूह है हमारा बेंजो है, तो इसका नाम क्या बनेगा बेंजो क्लोराइड या बेंजो ट्राई क्लोराइड भी लिख सकते हैं कॉमन नेम। आईपीसी नाम वही लिखेंगे इसमें तीन सीएल है तो या तो 1-1 ट्राई क्लोरो 1 फेनिल मैथेन भी लिख सकते हैं, और अगर आप 1-1 की पोजीशन नहीं लिखो तो भी यहाँ पे चल जाता है। ओके तो अपन क्या लिख देंगे 1-1-1 तीन बार है तो क्या हो गया ट्राई क्लोरो, फिर हो गया 1 फेनिल, एक कार्बन है मेथ में जोड़ गया बन गया मैथेन। कई बार बुक्स में 1-1 ये लिखा हुआ नहीं आता, क्यों? क्योंकि जब एक ही एक नंबर की पोजीशन होती है तो एक नंबर लिखना कोई जरूरी या आवश्यक नहीं है। ओके नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ एक दो और एग्जांपल। नेक्स्ट आप देखिए, अब जैसे मैंने लिखा हाँ ये हमारा क्या है एरोमेटिक तो है नहीं, कैसा है साइक्लो है, कैसा कंपाउंड है साइक्लो। अब इसमें कितने कार्बन है देखेंगे अपन 1, 2, 3, 4, 5 तो अपन क्या लिखेंगे साइक्लो, क्या लिखेंगे साइक्लो, पांच कार्बन है पेंट में एन जोड़ दिया पेंटेन। अब हमारा पीछे क्या सी एल है, क्या है सी एल है तो आई पी सी के लिए अपन जानते हैं क्लोरो को पहले लिखते हैं तो क्या बन जाएगा क्लोरो क्लोरो साइक्लो पेंटेन, इसका क्या बनेगा आई पी सी नाम बनेगा। इसी प्रकार से इसका अपन नाम लिखेंगे तो नंबरिंग अपन कहाँ से देंगे, इधर से देंगे तो 1, 2 और 3। अब अपन यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं दे रहे हैं क्योंकि हैलाइड और द्विबंध के अंदर जो ज़्यादा क्रियाशीलता होती है वो डबल बंध की डबल बॉन्ड की होती है, इसलिए अपन नंबर हमेशा कहाँ से देते हैं द्विबंध की ओर से देते हैं। तो इसका नाम क्या बनेगा 3-क्लोरो 3-क्लोरो। फिर कितने कार्बन हैं 1, 2, 3, 4, 5 हैं तो अपन क्या लिखेंगे साइक्लो साइक्लो, फिर क्या बनेगा हमारा कितने कार्बन है 6 6 के लिए क्या आ गया हेक्स, और क्या लिखेंगे 1-N, क्या लिखेंगे 1-N क्योंकि एक नंबर पे हमारा क्या है N है। इसी प्रकार से इसका नाम क्या लिखेंगे 1, 2, 3 तो क्या बनेगा 3-क्लोरो 3-क्लोरो साइक्लो, चार कार्बन है ब्यूट ब्यूट में 1-N। ओके इस प्रकार से हमारा हेलो एरिन का नामकरण क्या हुआ पूरा हुआ। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स बुक्स में दिए होते हैं, आप अगर आपको वो नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप मुझे भेज दोगे तो सभी के सभी मैं आपको उनका आंसर लिख के या आपको समझा के पूरा बता दूंगा।